हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंशेंट हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। बट आज ये एंशेंट हिस्ट्री का एक प्री हिस्टोरिक क्लास है। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी, हिस्ट्री क्या है। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा रटना बहुत मुश्किल होता है, चीज़ों को याद रखना, आपको जैसे डेट्स याद रखना हो गया, इवेंट्स याद रखना हो गया, कौन सा राजा कब आया था, कौन सा किंगडम कब था, किसको कैसे अरेंज करे, कौन से फॉरेनर कब आए थे। बट इसको पढ़ने का तरीका है, अगर सिस्टमैटिक तरह से एंशेंट हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका आसान होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे ये एंशेंट हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। आर्ट एंड कल्चर के साथ अगर इसको क्लब कर दिया जाए ना, तो ये UPSC में मेजर आपको प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता है उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आसाम PCS में बहुत सही सही क्वेश्चन आता है, आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से एक बार पढ़ लें, दूसरा बार पढ़ लें, एक बार रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, तो ये सब चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चूंकि ऑप्शन का गेम है ABCD, ठीक है, तो आप 3 बार पढ़ लोगे 3 रीडिंग, तो आप फिर कर सकते हो ना चीज़ों को, कि अशोका कौन से पीरियड में था, अशोका का कौन सी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं बुद्धिज्म का फीचर्स हो गया, जैनिज्म का फीचर हो गया, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपको जानने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको एंशेंट हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये टफ है। मैंने भी जब पढ़ा था, मुझे भी टफ लगा था, बट मैं 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया, उसके बाद ये आसान हो गया चीज़। और मैं आज मैं मतलब एक बार रिवाइज कर लेता हूँ तो भी मेरा क्वेश्चन सही है। तो पहले आप क्या करना है ना, आपको एक एक रीडिंग देना है सिलसिले अंदर से, कोई भी किताब उठा लीजिए आप, क्लास 6 NCERT ले लीजिए, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा पर्सनली आपको तमिलनाडु पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि NCERT 6 to 11 होता है पढ़ना, इसमें काफ़ी सारा डेटास, बहुत सारा संस्कृत में ठीक है, फिर बहुत सारा लोकेशंस है, ये याद नहीं होता है, ये बहुत टफ हो जाता है और डिफिकल्ट टू रिवाइज। बट तमिलनाडु का बेनिफिट क्या है ना, एक किताब में आपको सब कुछ मिल गया है, आप एक टाइमलाइन से पढ़ लेते हो, हड़प्पा से लेकर आप डायरेक्ट जा सकते हो आराम से, एक ही बुक में आप एक टाइमलाइन ट्रेस करते हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन से आप पालाज हो गया, चोलाज हो गया, पांड्याज हो गया, वहाँ तक जा सकते हो, और आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है कि हाँ चलो भाई ऐसे ऐसे चीज़ें डेवलप हुई, सोसाइटी ऐसे डेवलप हुई, पहले रिलीजन कैसा था, रिलीजन बाद में कैसा हुआ, इंडिया में कैसे कैसे रूल हुआ, कौन से एरियाज में आपको रूल हुआ, कौन सा किंगडम कब आया, ठीक है। और उसके बाद आप एक ल्यूसेंट की मैं बात अभी नहीं करूँगा, मैं ल्यूसेंट आपको बाद में बताऊँगा, और ये मैं खुद से ल्यूसेंट का मैं 4 लेक्चर लूँगा लास्ट में, जो आपको रिकैप करा देगा पूरा सब कुछ का। मतलब आप तमिलनाडु ल्यूसेंट कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आपको सब कुछ आपको याद हो जाएगा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, और एक बार दिमाग में आपके बैठ गया तो बैठ गया चीज़, ठीक है। तो आप एक रीडिंग दे दो तमिलनाडु 11th का, ठीक है, उसका मैं PDF शेयर कर दूंगा, लिंक बता दूंगा, आप मुझे आप जो नंबर दिया गया है यूट्यूब पे उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आप गूगल कर लो, सीधा इसको गूगल कर लो आप कि तमिलनाडु क्लास 11 NCERT किताब हिस्ट्री, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक रीडिंग ये दे दो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप UPSC कर रहे हो ना, तो दिशा पब्लिकेशन का बुक आता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीलिम्स, वो उठा के आप देख सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आजकल थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप कर गया है, तो थोड़ा आपको समझ में आने में लगेगा कि ये क्या क्या कुछ मिसिंग है, बट वो आर्ट एंड कल्चर का क्लास आप करोगे तो सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और स्टेट PCS के लिए तो रामबाण है प्रीवियस ईयर, आप मान के चलो अगर 30 क्वेश्चन आ रही है ना एंशिएंट हिस्ट्री से, तो आप पिछला 10 साल का कर लो, 28 क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 30 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया आ रहा है इस साल स्टेट PCS में, तो 28 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आपके प्रीवियस 10 ईयर से, तो आप 10 बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आप ये पढ़ तो आराम से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री के, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हाँ उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लिए, उसके बाद आप थर्ड एक रीडिंग मार लो और
ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। हम अपने चैनल पे डालते हैं एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज, आप कहीं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, डेली हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री लर्न बाई एमसीक्यूज हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो आप। उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट पे जाके, कोई भी चैनल से, किसी भी रैंडम वेबसाइट से जाके सर्च कर लेना एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू। आप उसको लगाते हो, लगाते हो, दिमाग में मैप बैठ जाएगा। मतलब अभी टफ लग रहा है आपको, बिलीव मी, आप 10 से 15 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हो, और बहुत अच्छे से। मतलब एक बार हो गया ना तो बच्चों आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बस आपको उठाना है तमिलनाडु, रिसेंट का मैं बताया ना आपको, लास्ट में मैं 4 क्लास करवाऊंगा, उससे पूरा आपको क्रिस्प रिविजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही की बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास से आपको अच्छे से टाइमलाइन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री क्यों आया, हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री हम लोग जानते कैसे हैं अपने सोसाइटी में, ठीक है, कैसे सोसाइटी डेवलप किया है स्टोन एज से आज के एज में, और एविडेंस कैसे कैसे मिले हैं, जैसे हमको कॉइन्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं, पोट्री, मतलब घर पे जो मटका होता है ना, वो उसका क्या एविडेंस है, वो कैसे डेवलप किया है, कैसे कैसे राजाओं ने क्या छोड़ा है, रिलीजन का इम्पैक्ट, बुद्धिज्म का इम्पैक्ट, जैनिज्म, बुद्धिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद कैसे देखा दिखाऊंगा कि मौर्य पीरियड कैसा रहा, गुप्ता पीरियड कैसा हुआ, वहाँ की सोसाइटी कैसी रही, वहाँ के किंग कैसे थे, मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब राजा सब कुछ कंट्रोल करता था, या डिसेंट्रलाइज मतलब विलेज पंचायत, नीचे से पावर ऊपर की ओर ट्रेवल करता था, पावर नीचे की ट्रेवल करता था। एक बार आप ये समझ लोगे ना, आप क्वेश्चन सही कर दोगे। विजयनगर एम्पायर कैसे आया, आपको नॉर्थ इंडिया में कैसा रूल होता था, नॉर्थ ईस्ट में कैसे रूल होता था, रूल हुआ करता था। अहोम एम्पायर के बारे में मैं बाद में डील करूंगा। ठीक है, असम कल्चर के बारे में, असम में कैसे कैसे आया, फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा मैं आपको भक्ति कल्ट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा क्या, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, गुप्ता बताऊंगा, विजयनगर बताऊंगा, सूफी बता दूंगा। ठीक है, अब समझ लो कि 15 दिन में ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 15 दिन आप आधा घंटा क्लास देख लो। ठीक है, थोड़ा मोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, 15 से 17-18 दिन भी आ गया, आधा घंटा क्लास आप क्लास कर लो। उसके बाद मैंने ये एनसीईआरटी तमिलनाडु बोला है वो देख लेना। उसके बाद मैं बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन भी दे रहूंगा, और फिर मैं चैनल पे एक साथ सबका क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लो कितना सही से आपका हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास तो मैं यही बता रहा था कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री करना है, डरने की कोई बात नहीं है, 3 बार चीज को पढ़ना है। ठीक है, 3 बार, काम खत्म, सब कुछ खत्म। पत्थर को भी आप तोड़ते हो तो टाइम लगता है। ठीक है, एक स्ट्राइक किए, दूसरा स्ट्राइक किए, तीसरा स्ट्राइक किए, उसका पत्थर टूट ही जाता है, और एक बार टूट गया ना भाई, तो पत्थर के जो पार्टिकल्स होते हैं आपके दिमाग में, जैसे आपको चारों तरफ दिखती है ना, वैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो बस आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, वीडियोस ऐसे देखना है, वीडियो देखने के वक्त आपको पता रहना चाहिए तमिलनाडु का नोट्स होना चाहिए, तमिलनाडु की किताब प्रिंट आउट करा लीजिए, 140 पेज का है। ठीक है, आराम से हो जाएगा आपको। या फिर कहीं आप दिल्ली में रहते हो, कहीं रहते हो, तो उसका मिल जाता है, बुक मिल जाता है, काफ़ी सस्ता, मतलब रीजनेबल रेट में 70-80 रुपये का आ जाता है। ठीक है, आप ले लो और उसको अच्छे से कर लो। रिसेंट के बारे में फिर से बता रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो, मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप सॉफ्ट कॉपी देख लूंगा, मैं अंडरलाइन करके सब अच्छे से पढ़ाऊंगा तमिलनाडु, ताकि एक आपका सब बुक कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना आपको, वो बहुत काम आता है। एक किताब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता रहेगा, हाँ चल मैंने एक किताब कर लिया, मैं 2 बार कर लिया, मैंने 3 बार कर लिया, मैं प्रीवियस ईयर कर लिया, हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल में भी नो कि आप 100 क्वेश्चन में सिलेक्शन 60 में ही हो जाता है, यूपीएससी मान के चलो आप 60 कर लो तो ठीक ठाक सिलेक्शन हो जाता है आराम से। ठीक है, मैं 60 इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 200 मार्क्स हो गया, 120 आप लाओगे ना, बफर ले रहा हूँ नेगेटिव कार्ड वर्ड के, आप 100-105 के अराउंड लाओ, आपको सिलेक्शन हो जाता है। तो करना तो पूरा है ही नहीं। ठीक है, जो बेसिक एम ये है कि जो जितने बच्चे जितना क्वेश्चन कर रहे हैं आप भी उतना तो कर लें, 8 अगर सिंपल क्वेश्चन तो आप भी 8 सिंपल कर लें, टफ का कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब मैं नेक्स्ट क्लास आऊँगा और उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, टेंशन ले लेने का। ठीक है, मैं हूँ ना, चलो बाय बाय।